प्रिय मित्रों, सीईसी एडुसेट लाइव प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत। आप और हम भली भांति जानते हैं कि सीईसी एडुसेट प्लेटफॉर्म को हम आपके ज्ञान अर्जन के लिए बखूबी यूज़ करने की कोशिश करते रहते हैं, और हमें प्रसन्नता है कि समय समय पर आप हमें सकारात्मक प्रतिक्रियाएं और सुझाव देते रहते हैं ताकि हमारा निरंतर संवाद बना रहे। अच्छा लगता है हमें कि हम एक प्रक्रिया में जुड़े हैं ज्ञान प्रसार और ज्ञान आर्जन की, और इस प्रक्रिया में हम निरंतर सशक्त और सक्षम होते रहें, यह हमारा प्रयास रहता है। इसी कड़ी में आज कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ पुनः जुड़ रहे हैं डॉक्टर यूएस पांडे। डॉक्टर यूएस पांडे, आपका स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर यूएस पांडे एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में दिल्ली में कार्यरत हैं। 25 वर्षों के अपने गहन अध्ययन से डॉक्टर पांडे ने कंप्यूटर की आधुनिकतम विधाओं जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग इत्यादि में खूब विशेषज्ञता हासिल की है। आप और हम सभी जानते हैं कि आज जीवन का कोई शायद ही ऐसा क्षेत्र हो जो कंप्यूटर के प्रभाव से अछूता रहा हो। इसके साथ ही कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रतिदिन नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, और कंप्यूटर और कंप्यूटर तकनीकी थोड़ा जटिल होने लगा है। इसलिए आपके अनुरोध पर डॉक्टर पांडे जी आज कंप्यूटर फंडामेंटल्स भाग दो विषय पर आपसे हिंदी में रूबरू होंगे। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर पांडे जी का कि आपके इस अनुरोध को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है, और इस आवश्यक एवं प्रासंगिक विषय पर सरल और सटीक वक्तव्य की योजना बनाई है। डॉक्टर पांडे, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। धन्यवाद सर। जैसा कि हमने पहले देखा कि कंप्यूटर क्या होता है और उसके बारे में कुछ और जानकारियां हम लोगों ने पहले हासिल की, आज हम कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बता रहे हैं आपको। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें देखा या छुआ जा सके उसे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। आप इस पिक्चर में ये देख सकते हैं कि कुछ तरीके की जो डिवाइसेज हैं वो कंप्यूटर हार्डवेयर किस तरीके से कहते हैं इनको, ये चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो किसी तरीके की और डिवाइसेज हो जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं, उनको हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं। एक इंटरफेस जो कंप्यूटर से ऑपरेटर तक का संपर्क स्थापित करता है उसको एक इंटरफेस कहते हैं। किसी जैसे कि दो लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो, कंप्यूटर से ऑपरेटर तक के संपर्क को एक इंटरफेस कहा जाता है। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर में कंप्यूटर एक डिवाइस है जो अपने आप सब कुछ नहीं करता, उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती है कंप्यूटर को, आपके अपने प्रोग्राम्स देने होते हैं कंप्यूटर को, और उसी के आधार पर कंप्यूटर सारी गणनाएं करके आपको प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी ऐसी युक्तियां हैं जिसे हम कंप्यूटर से सीधे इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करने के लिए ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिनको हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ऐसे बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने माउस का नाम सुना होगा, जो माउस बहुत ही यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रोवाइड करने के लिए। ये माउस भी कई प्रकार के आते हैं। एक तो माउस आपका सीधे अटैच होता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। जैसे जैसे तकनीकी विकसित हुई, आजकल डिटैचेबल माउस भी आने लगे हैं। ये माउस आप दूर से बैठे बैठे ही कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो माउस की सहायता से आप कंप्यूटर के अंदर अपनी इंफॉर्मेशंस को, अपनी जानकारी को आप चाहें तो डाल सकते हैं। दूसरी जो डिवाइस जो बहुत ही पॉपुलरली यूज़ होती है, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ ही आपको दी जाती है। उस पर लगभग सभी वर्ड्स लिखे होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, जिसका कन्वर्जन आप अन्य भाषाओं में भी कर सकते हैं। इस कीबोर्ड को कंप्यूटर के थ्रू अटैच करके आप
जो कुछ भी टाइप करना चाहते हैं कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं और सब कुछ भी कर सकते हैं। ये कीबोर्ड भी कई प्रकार के आने लगे हैं आजकल। पहले एक कीबोर्ड होता है जो कंप्यूटर से सीधे अटैच होता है, जैसा आपने देखा होगा आप लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, चाहे वो आपका मोबाइल ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी कीबोर्ड की सुविधाएं उपस्थित रहती हैं। आपको कोई मैसेज टाइप करना है, किसी का ईमेल एड्रेस टाइप करना है, कुछ और भी लिखना है, तो आप मोबाइल के ऊपर ही कीबोर्ड के क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके द्वारा आप जो कुछ भी इनपुट मोबाइल को देना चाहते हैं या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देना चाहते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी जैसा मैंने आपको कहा, कीबोर्ड एक ऐसा आता है जो कि कंप्यूटर के साथ ही अटैच होता है, उसको आप कंप्यूटर के साथ अटैच करके और बैठ के वहीं से काम कर सकते हैं। आजकल दूसरे वायरलेस टाइप के कीबोर्ड भी आने लगे हैं, जो कंप्यूटर आपका कहीं दूर रखा हो और आप दूर से बैठे एक सिर्फ कीबोर्ड की बदौलत आप कंप्यूटर से काम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिनके थ्रू आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और चीज़ें दे सकते हैं। जैसे कुछ और लेटेस्ट डिवाइसेज हैं, लाइट पेन। आपने देखा होगा अक्सर क्रिकेट मैच के दौरान कोई न कोई अंपायर, कोई बैठे हुए आपको पेन से ये दर्शाता रहता है स्क्रीन के ऊपर कि ये बॉल यहाँ से वहाँ जा रही है, ये उसका पाथ है, ये चीज़ें कुछ और है। कहने का मतलब आप सीधे पेन से स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं, तो वो एक डिवाइस है लाइट पेन की। लाइट पेन भी एक वायरलेस काइंड की डिवाइस है, उस डिवाइस को लेकर के आप सीधे स्क्रीन पर डायरेक्टली कोई ना कोई चीज़ इंटर कर सकते हैं, उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में चली जाएगी और कंप्यूटर उसको रीड कर लेगा। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कभी कभी विशेष तरीके के प्रेजेंटेशन में किया जाता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको कुछ विशेष चीज़ दर्शानी है तो आप उसको क्ली के थ्रू कर सकते हैं। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस है, आपने सुना होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा एग्जामिनेशंस में। आपको डॉटेड लाइन की शीट मिलती है, उस एक ही शीट पर सैकड़ों क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, आपको कुछ डॉट उसमें सेलेक्ट करने हैं, ये डॉट्स आपको एक फॉर्म के तहत आ गए। ऐसे सैकड़ों फॉर्म एक साथ ही ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू चेक किए जाते हैं और इससे सीधे के सीधे रिजल्ट कंप्यूटर में चला जाता है और वहाँ से कंप्यूटर अपनी गणना के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप अपनी सूचनाओं को कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर के साथ ही दूसरी डिवाइस जो बहुत ही पॉपुलर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आपको सुनने में लगेगा अजीब सा, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी उत्तर पुस्तिकाएं आपको कंप्यूटर द्वारा चेक की जाती हैं। आप सोचते होंगे कि आप डिफरेंट तरीके से शब्दों का चयन करते हैं और कापियों लिखते हैं, कंप्यूटर कैसे इसको चेक कर सकता है। तो ऐसी सुविधाएं भी इसमें बनी हुई हैं इन मशीनों में कि वो आपके द्वारा लिखी गई सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ के समझ के और उसको इवैल्यूएट कर सकता है। ऐसी मशीनें आजकल अवेलेबल हैं, उनको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारी और टेक्निक्स है, जैसे बैंक्स चेक्स एंड अदर थिंग्स, उन सब चीज़ों को भी चेक करने के लिए डिफरेंट काइंड की डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक का नाम सुना होगा आपने, म्यूजिक से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके इनपुट को कंप्यूटर में दे प्रोवाइड करने के लिए इन डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। दूसरी एक जो बहुत पॉपुलर डिवाइस है जो आज के युग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, टच स्क्रीन। आपने देखा होगा आजकल लैपटॉप्स आ रहे हैं आपके पास या मोबाइल, मैक्सिमम मोबाइल्स ऐसे आ रहे हैं जहां आपको सारा काम टच करते ही हो जाता है। इसी तरीके से स्क्रीन पर कोई भी इंफॉर्मेशन आई, आपने एक जगह टच किया और वो चीज़ एग्जीक्यूट होके आ गई। इन डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। वैसे तो ATM भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप सूचनाओं को कंप्यूटर को देते हैं और उसके द्वारा वो कंप्यूटर प्रोसेस करके आपको चीज़ें बताता है कैसे करना है। तो टच स्क्रीन का इस्तेमाल आजकल आपने देखा होगा, जगह जगह पर टच स्क्रीन्स बने हुए हैं, उसको टच करके आप सूचनाओं को एकत्रित कर सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
तीसरी और जो डिवाइस है स्कैनर, स्कैनर एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप किसी क्रिटिकल टाइप के, किसी डिफ़िकल्ट टाइप के डायग्राम्स को या कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सीधे कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। स्कैनर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने किसी भी पेपर को जैसे फोटोकॉपी करते हैं उसी तरीके से स्कैन किया और कंप्यूटर के अंदर ये फाइल एक रूप में आ गई, जिसका इस्तेमाल आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप अपनी सूचनाओं को कंप्यूटर तक पहुँचा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस भी हैं टच स्क्रीन के अलावा। जैसे मैंने आपको बताया एक डिवाइस है जिसका नाम डिजिटाइजर है। डिजिटाइजर मत किसी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ डायग्राम को अगर कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड करना है तो डिजिटाइजर के अंदर उसका डायग्राम को रखते हैं और उससे उस डायग्राम सीधे के सीधे कंप्यूटर में पहुंच जाता है और उसके बाद आपको जैसी ज़रूरत हो, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, ठीक करनी है, उसके द्वारा आप कर सकते हैं। इन डिवाइसेस के जैसे आपने देखा है कि आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप चाहें तो किसी फोटोग्राफ को मार्फ्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल से रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको इन डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू मिल सकता है। मैंने आपको कुछ डिवाइसेस बताई लेकिन ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर अपनी सूचनाओं को दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल अपने मोबाइल फ़ोन को भी आप कंप्यूटर के साथ अटैच करके सारी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। कहने का मतलब कंप्यूटर के अंदर आप अपनी मोबाइल की सारी इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो कंप्यूटर से भी आप अपनी सूचनाओं को ले सकते हैं। ऐसे पेन ड्राइव और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी डिवाइसेज हैं जिनके थ्रू आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जिन किसी डिवाइसेज से आप कंप्यूटर के अंदर सूचनाओं को देते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं और जिन से डिवाइसेज से हम रिजल्ट को प्राप्त करते हैं वो आउटपुट डिवाइसेज के नाम हैं। ऐसी बहुत सारी डिवाइसेज हैं जो दोनों का काम करती हैं, जिनके अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं, वो रख भी सकते हैं, साथ ही साथ उनको रिट्रीव भी कर सकते हैं। अगर आवश्यकता हो तो कंप्यूटर से वो इन सूचनाओं को ले भी सकते हैं। बहुत सारी ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस भी हैं जो डिवाइसेस अलग से हैं। ये वो युक्तियां हैं जिसमें सिस्टम में जोड़ने से पहले हम इनपुट तैयार कर फिर आवश्यकता अनुसार उनसे इनपुट पढ़ने के लिए उन्हें हम सिस्टम से जोड़ देते हैं। आजकल ये डिवाइसेस कम इस्तेमाल हो रही हैं लेकिन पहले आज के 80 और 90 के दशक में पंच कार्ड जैसी चीज़ें बहुत इस्तेमाल होती थी। पहले से लोग अपने सूचनाओं को इस पंच कार्ड पर पंच करते थे और उसके बाद वो कंप्यूटर में देने के लिए ले जाते थे। मैग्नेटिक टेप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको आप कंप्यूटर में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए, वहाँ पे प्रदान करने के लिए और वापस रिजल्ट को लेने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी। अभी तक तो आपने हार्डवेयर के बारे में जानकारी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उन घटकों को कहा जाता है जिन्हें हम छू नहीं सकते किंतु उनकी सहायता से कंप्यूटर के द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये निर्देशों के समुच्चय होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर एक या एक से अधिक कार्यों को संपन्न करता है। सॉफ्टवेयर मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाते हैं। दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और तीसरा उपयोगिता सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर के इन तीनों भागों का अपना बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर है जो अनुप्रयोग के लिए बनाया गया है। सॉफ्टवेयर एक से अधिक कार्यक्रमों का एक सेट है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर पर ही चला लेकिन अमल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको एक बहुत सिंपल सी जानकारी दी जाए, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप अपने किसी विशेष कार्य के लिए बनाते हैं।
या किसी अच्छी कंपनियों द्वारा ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं जो आपके छोटे मोटे कार्यों की में बहुत ही हेल्प देते हैं। आपने डिफरेंट एप्लीकेशंस देखे होंगे, मोबाइल के ऊपर डिफरेंट ऐप्स देखे होंगे, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। आप छोटी सी किसी भी ऐप्स को क्लिक कीजिए और आप अपने मुताबिक चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, सोच सकते हैं बिना कंप्यूटर की जानकारी डिटेल में रखे। दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाहेंगे, इन सॉफ्टवेयरों की यूजिलिटी से, इन सॉफ्टवेयरों को यूज़ करके बिना कंप्यूटर के बारे में अधिक जानकारी रखे हुए एक कॉमन आदमी भी अपने सारे काम कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, आपको मोबाइल के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आप मूलतः खरीदते ही अपना इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और उस पर कुछ ऐसी चीज़ें इंगित होती हैं कि आप मोबाइल को कैसे कॉलिंग करनी है, कैसे मैसेज रिसीव करना है, कैसे किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, ये चीज़ें आपको अपने आप पता लग जाती हैं और कुछ चीज़ें उसमें इतनी अच्छी तरीके से दी होती हैं कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं। जो इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है जनरल पर्पस, दूसरा एप्लीकेशन स्पेसिफिक या टेलर मेड। जनरल पर्पस के ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो, आपको जैसे जानकारी है लगभग हजारों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, या अगर आप सुयोग्य हैं, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर खुद प्रोग्राम डिवाइड बना करके आप ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी इसी की है जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है। जैसे आपने नाम सुना हो आप टैली का पैकेज, ना टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप अकाउंटिंग की चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन टैली किसी एक अकाउंट्स के द्वारा बनाई गई सॉफ्टवेयर की पैकेजेस हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी स्प्रेडशीट के पैकेजेस आते हैं, एक्सेल की स्प्रेडशीट है या किसी और भी कंपनी के, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप बिना ज़्यादा जानकारी रखे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा फिलअप कर सकते हैं, तथा उससे संबंधित अगर आपको ग्राफ चाहिए तो आप बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं उसको एक ऑर्डर में लिखना वो बना सकते हैं। और इसके लिए जैसा मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए किसी विशेष ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैकेजेस इतने, इनको हम कहते हैं रेडीमेड टू यूज़, विदाउट हैविंग नॉलेज, बिना डिटेल किसी नॉलेज को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा आप किसी दुकान पर जाते हैं, आपने कोई सामान खरीदा, दुकानदार एक मिनट के अंदर एक बार कोड रीडर से, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर उसकी सूचनाएं जाती हैं और आपको कंप्यूटर के द्वारा एक अच्छा सा बिल पकड़ा देता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ों के लिए उस ऑपरेटर को कंप्यूटर की बहुत जानकारी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसको उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जानकारी होती है जिसके द्वारा वो बिल बनाया जाता है। तो ऐसे हजारों सॉफ्टवेयर हैं जो कई तो रेडीमेड आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, कुछ को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है तो वो अपने हिसाब से डेवलप करा सकती है। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, जिससे सॉफ्टवेयर सूट्स, वेब ब्राउज़र, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्ड प्रोसेसिंग, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, या जिसको हम कहते हैं कि बहुत हाई क्वालिटी की पब्लिशिंग बनाना। उदाहरण के तौर पर आप जो PPT देख रहे हैं, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप खुद अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है। उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप लिखते जाइए, आपकी PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने आप बनता जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी कि कंप्यूटर के थ्रू इन सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल करके आप अपनी चिट्ठियां बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेटर्स लिख सकते हैं। इनमें ना ही सिर्फ आप अपना टाइप कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर चाहें तो लगभग सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने के लिए, आपके ग्रामर को ठीक करने के लिए, आपकी स्पेलिंग्स को ठीक करने के लिए सारी की सारी सुविधाएँ यहाँ अवेलेबल हैं। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि अगर आपको बहुत जानकारी नहीं है कि हमको चिट्ठी का फॉर्मेट क्या है, लेटर कैसे बनाना है, ये कंप्यूटर, ये सॉफ्टवेयर आपको वो सारी चीज़ें बना करके देंगे। आपको सिर्फ बताना है कि आप किस तरीके का पत्र चाहते हैं, किस तरीके की चीज़ें लिखनी है, लगभग सारी चीज़ें रेडीमेड होते जा रही हैं।
और आपको मुझे ये बताते खुशी हो रही कि ऐसे और सॉफ्टवेयर बहुत ही जल्दी मार्केट में आने वाले हैं। शायद आपने सुना होगा कि विंडोज़ 10 और भी चीज़ें आने वाली हैं जो मार्केट में, अब वो वक्त दूर नहीं कि आप कहेंगे और कंप्यूटर आपको चिट्ठी बना के दे देगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में आपको पता है, ये सॉफ्टवेयर्स आप डेली मेल भेजते हैं चीज़ों को, किसी को सूचनाएँ भेजने में, और वो भी आंतरिक सूचनाएँ जो आपने जिसको मेल भेजा वही पा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके आप चीज़ों को कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कुछ बेकीमत देनी पड़ती है और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम, जैसा मैंने आपको बताया कि टैली का मैंने नाम दिया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर शिक्षा जगत में अवेलेबल हैं। उन एजुकेशनल किट्स को, एजुकेशनल एक्टिविटी को, सबको इस्तेमाल करके आप शिक्षा जगत की चीज़ें इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ये लेक्चर आपको YouTube पर भी दिखाई पड़ा, ये YouTube भी एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बना करके उसके थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो उसमें सर्चिंग की भी फैसिलिटी है, आपको कोई चीज़ ढूंढनी पड़े तो आप लिखिए, बहुत जानकारी नहीं है तो आपको कंप्यूटर उसमें भी हेल्प करेगा। ऐसे सॉफ्टवेयर हैं अवेलेबल जो आपको उस चीज़ों में भी हेल्प करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तो कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर का मेरा कहने का मतलब जो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पड़े जिनके द्वारा आप उस अच्छी से अच्छी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। डेटाबेस एक एरिया जिसके अंदर आप सारी सूचनाओं को एकत्रित करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरीके से, वो एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम के तहत आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जैसा मैंने बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का रेंज बहुत ही, हजारों सॉफ्टवेयर इस एरिया में अवेलेबल हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर अगर आप चाहें तो खुद उनका निर्माण करवा सकते हैं। खासकर वो कंपनियां जिनको ऐसा लगता है कि हमारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो बाहर नहीं जानी चाहिए, वो लोग अपने सॉफ्टवेयर को इन हाउस डेवलप कराते हैं, मतलब अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में सब डेवलप कराते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर को भी आप डेवलप करा सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रयोग किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और दूसरा सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रणाली संबंध कार्यक्रम, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको हमने शायद बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो शुरू शुरू में ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ चीज़ें कंप्यूटर के दिमाग में अपलोड की जाती हैं और उसके बाद कंप्यूटर इस तरीके की फंक्शनिंग को स्टार्ट करता है। दूसरा, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेटवर्क प्रबंधन का भी कार्यक्रम और नेटवर्क की सुरक्षा, ये भी सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में आते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में जानकारी के लिए, जैसा हमने पहले भी कहा था आपको, कंप्यूटर की जो अपनी भाषा होती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है, वो अक्सर सारी चीज़ें 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। हम जो अपने निर्देश, अपनी सूचनाएं कंप्यूटर को देते हैं वो हम अपनी भाषा में देते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर दी गई सभी सूचनाओं को कंप्यूटर को कंप्यूटर की अपनी भाषा में चेंज करना होता है। ऐसे में आपको डिफरेंट ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम अभी आपको बताते हैं कि उसके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो आपकी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर की भाषा को आपकी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? किसी कंप्यूटर को चलाने में ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। दरअसल यह हमारे तथा कंप्यूटर के बीच माध्यम का काम करता है। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता,
वह केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर जितनी भी मशीनें हों, सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं, किसी भी मशीन के अंदर मशीन का ऑपरेशंस कैसे होना होता है, ये जो कंपनियां डिसाइड करती हैं कि उसके अंदर जो मशीनें कैसे काम करेंगी, तो उनके लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल आपने देखा होगा। अगर आप किसी भी तरीके की मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ एक उसको चलाने का मैनुअल दिया जाता है आपको। वो बात अलग है कि अमूमन आप उस मैनुअल को सबसे पहले किनारे रख के और काम करना शुरू कर देते हैं। आप मोबाइल भी खरीदिए तो मोबाइल को ऑपरेट करने की सारी डिटेल्स आपको दी जाती हैं। वॉशिंग मशीन खरीदिए तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी चीज़ें कैसे फंक्शन करेंगी वो भी आपको दी जाती हैं। फ़र्क ये है क्योंकि आजकल ये चीज़ें इतनी इस्तेमाल में हैं कि आप सोचते हैं कि ऊपर से सारी चीज़ें वैसे ही ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो बटन्स बनी हैं वो लगभग वही होती हैं जो किसी में हर किसी भी मशीन में, किसी भी वॉशिंग मशीन में लगभग उसी तरीके से होती हैं। लेकिन आपको ये जानकर जानते होंगे कि लगभग सभी मशीनों की इंटरनल सिस्टम, उनकी इंटरनल मशीनरी अलग अलग होती है। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग मैनुअल हर मशीन का अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ऊषा के वॉशिंग मशीन के इंजीनियर को आप कहिए कि वीडियोकॉन की मशीन को अंदर से ठीक कर दे, तो शायद वो कहे कि नहीं, हमको ऊषा के बारे में जानकारी है, वीडियोकॉन के बारे में नहीं। ऐसे ही जितने भी कंप्यूटर होते हैं, हर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनके जो इंटरनल सर्किट हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, और ये कंपनियां डिसाइड करती हैं कि कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर यूज़ करना है। वो बात अलग है कि आजकल कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं जिसको लगभग सभी कंप्यूटर्स पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा विंडोज़, ऐसे लिनक्स, यूनिक्स, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको लगभग कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होने के बावजूद आप इसको आसानी से चला सकते हैं। कंप्यूटर दे दिया जाए आपको तो उस पर कुछ ग्राफिकल पिक्चर्स बनी होती हैं जिसको देखने से ही आपको ये पता लग जाएगा कि इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। जैसा कि मोबाइल में आप देखते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशंस के सिर्फ फोटोग्राफ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ़ोटोग्राफ किस लिए हैं, तो उसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या हैं? फाइल पद्धति, कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे जो महत्वपूर्ण काम है फाइल मैनेजमेंट या फाइल पद्धति, फाइल बनाना, मिटाना तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और फाइल निर्देशिका को व्यवस्थित करना। आपने देखा होगा यहाँ, जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे एप्लीकेशंस, प्रोग्राम डिस्क के अंदर जाना है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर को एक किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए कोई रीजन देते हैं, तो कंप्यूटर को इमीडिएटली उस फाइल को प्रिंट करना है। इसका मतलब कंप्यूटर अपने हार्ड डिस्क से उस फाइल को देखेगा और जिस किसी डिवाइस को आपने प्रिंट दिया है उसको भी निर्देशित करेगा। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको इन सारी व्यवस्थाओं को देखता है। दूसरी प्रक्रिया, जैसा अभी हमने आपको बहुत सारी कार्यक्रमों में पहले बताया कि आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती, जैसा ह्यूमन नेचर में ऐसी कंप्यूटर्स में जो इंटरनल मेमोरी है उसका कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए। आप सोचिए कि कभी कभी एक कंप्यूटर में आप 10 तरीके के प्रोग्राम एक साथ चला रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जब कभी आप दिमाग पर 5 या 6 काम एक साथ करते हैं तो कितने तरीके से आपको अपने दिमाग को व्यवस्थित करना पड़ता है कि एक साथ ही साथ इतने सारे कार्यों को चेक करना, निर्देशित करना। कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आंकड़ों को मेमोरी में बांटना, प्रक्रिया को आरंभ करके समुचित रूप से चलाना, जैसे कि आपने अगर दिया प्रिंटिंग के लिए कोई काम और कंप्यूटर कुछ और कर रहा है, तो ऐसे में ये चीज़ों को ध्यान रखना और किस किसी प्रोग्राम को कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी ये ध्यान रखना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट।
हमने आपको बताया सीपीयू को मॉनिटर से, प्रिंटर, डिस्क आदि के बीच मध्यस्थता करना, आप समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सारी चीज़ें भी देखनी होती है कि अगर आप कितनी सारी डिवाइसेस को आप अटैच कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा आप लैपटॉप लिए हुए उसको मोबाइल से भी अटैच करते हैं, पेन ड्राइव से भी अटैच करते हैं, माउस से भी अटैच कर सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल और डिवाइसेस हो सकती हैं, सबको अटैच करते हैं और सभी में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह सोचिए कि ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है कि आपकी सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बीच में मध्यस्थता करना, किस डिवाइस में कौन सी फाइल जानी है, कहाँ से कौन सी फाइल लेनी है और साथ ही साथ प्रोसेसिंग के लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता है, ये कार्य सिर्फ ऑपरेटिंग की सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अमूमन दो प्रकार के होते हैं। उपयोग के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है एकल उपयोगकर्ता या सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता काम कर सकता है। आपने देखा होगा जैसे आपके पास लैपटॉप है या कोई ऐसी डिवाइस है जो घर कंप्यूटर रखा है आपने, तो उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पे सिर्फ एक ही कंप्यूटर पर आप काम कर सकते हैं और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसी सुविधाएं बनी होती हैं कि उसी को वो कंट्रोल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बहुल उपयोगकर्ता। बहुल उपयोगकर्ता का मतलब ये होगा कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सोचिए कई कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे हों तो जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय पर काम करते हैं, काम करने के मूड के आधार पर इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। आपके उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा रेलवे में हजारों काउंटर एक साथ काम कर सकते, कई सैकड़ों कंप्यूटर दिल्ली में हैं तो हजारों कंप्यूटर मद्रास में हैं, बेंगलोर में हैं, कलकत्ता में हैं या किन्हीं रिमोट एरियाज़ में है। लेकिन आप टिकट लेने जाइएगा तो जो भी अपडेटेड लेटेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगी वो आपको वहाँ पे इंगित करेगी, दर्शाई जाएगी। कहना ये चाहते हैं कि सारे कंप्यूटर एक साथ एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्सर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की कीमत बहुत कम होती है, बस जिन मल्टी यूज़र के जो सिस्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कितने यूज़र का आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उसी के हिसाब से इनकी कीमत भी बढ़ती रहती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने आपको जानकारी बतानी थी कि उसमें भी ऐसे इन्वायरमेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप सिंगल यूजर इन्वायरमेंट में काम करते हैं और कई जो मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो दोनों की कॉस्ट में, प्राइस में भी फ़र्क है, उनकी कीमत में भी बहुत अंतर है। अगर कोई डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर आपने ख़रीदते हैं मार्केट से जो सिर्फ आपको अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल करें, हो सकता है वो हज़ारों में मिले, लेकिन अगर वही ऐसा सॉफ्टवेयर आप 100 यूजर्स के लिए, 200 यूजर्स के लिए और मल्टी यूजर्स के लिए ख़रीदते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। यूज़र इंटरफेस, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जब उपयोगकर्ता सिस्टम के साथ कैरेक्टर के द्वारा सूचना देता है तो इस ऑपरेटिंग को कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग डॉस कहते हैं, ये सिंगल यूज़र में भी आते हैं। यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा आजकल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले यूज़र इंटरफेस हैं, आपने सुना होगा GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से चित्रों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर विंडोज़ का आजकल पॉपुलर होना सिर्फ इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको चीज़ें याद करनी पड़ती थी कि क्या कमांड देनी है फिर फाइल कॉपी होगी, क्या कमांड देनी है फिर फाइल डिलीट होगी, या क्या कमांड देनी है तो चीज़ें होंगी, लेकिन
आज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सहायता से आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग हर चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा, यूज़र फ्रेंडली, लोगों को बहुत आसानी से यूज़ करने के लिए ये सुविधाएं दी गई हैं और आराम से आप पिक्चर्स को देख करके ही अपने सही डिसीजंस को ले सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामेबल प्रोग्रामिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, अभी हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य निर्देशित करते हैं इसके बारे में बताया, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। ये कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स और टेक्निक्स हैं, जैसे संकलक कंपाइलर्स, लिंकर्स के रूप में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अनुवाद और निष्पादन के कंप्यूटर प्रोग्राम और स्रोत कोड सोर्स कोड को इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसमें बदलता है। हमने आपको बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हम अपनी सूचनाओं को लिख करके कंप्यूटर को देते हैं। ये भाषाएं भी कई प्रकार की हैं, हमने आपको पहले भी बताया, जैसे बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रान, पास्कल, स्नोबॉल, जावा और बहुत ऐसी भाषाएं हैं जिसमें आप अपनी सूचनाओं को लिख सकते हैं। और इनके अपने कैरेक्टर सेट हैं, इनके अपने ग्रामर हैं, इनका अपना तरीका है लिखने का, जिसको लिख करके आप कंप्यूटर को दे सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कंप्यूटर की जो अपनी भाषा है वो है मशीन लेवल लैंग्वेज। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपकी अपनी भाषा को या जिस भाषा में आपने कंप्यूटर को निर्देशित किया है, जिस हाई लेवल लैंग्वेज में आपने अपनी चीज़ों को लिखा है, वो किस चीज़ की सहायता से कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट होगा, उसको कहते हैं हम कंपाइलर। ये भी एक सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है, ये भी एक प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो कंपाइलर होता है। ये कंपाइलर लगभग सभी भाषाओं के लिए अलग अलग हैं। जानकारी के लिए, जैसे अगर आप बेसिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसिक को कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में आपको अलग कंपाइलर चाहिए। अगर कोबॉल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए। इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ से कोई विदेशी डेलीगेशन आता है और किसी इंडियन हाई डेलीगेशन, बहुत जो प्रभाव शक्तिशाली लोग हैं, उनसे कोई मीटिंग होती है, तो अक्सर ऐसा होता है, मान लीजिए कोई जर्मनी से आया है और उनको हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी है, तो बीच में कोई न कोई ऐसा दुभाषिया, जिसको हम कहते हैं, वो बैठा होता है जो जर्मन भाषा को हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करता है और इधर की इंग्लिश या हिंदी भाषा को जर्मन में कन्वर्ट करता है, उसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं। यहाँ भी उसी तरीके से कंपाइलर और इंटरप्रेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हर भाषा के लिए अलग अलग होते हैं। कंप्यूटर्स कंपाइलर को देखा आपने, जैसे हम अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं इस पिक्चर के माध्यम से, सोर्स कोड कंपाइलर के अंदर जाकर के आपको एरर कोड भी प्रोवाइड करता है और उसके बाद एग्जीक्यूटिबल प्रोवाइड होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इंटरप्रेटर हर आपको स्टेप बाय स्टेप सूचनाओं को कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को रीड करके जो भी उसमें दिक्कतें हैं वो आपको एरर सहित लिस्ट करके बताता है कि आपके प्रोग्राम में ये गलतियां हैं, इसको सुधारिए, फिर आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की भांति ही काम करता है। अंतर यह है कि कंपाइलर प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है और इंटरप्रेटर आपका स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने आपको बताया कि इंटरप्रेटर अगर आपके प्रोग्राम में कोई त्रुटि है तो वहीं रुका रहेगा जब तक आप उसकी लाइन को ठीक नहीं कर लेंगे। आपने जैसा देखा इसमें कि सोर्स कोड को एग्जीक्यूटिबल कोड्स में कन्वर्ट करना या टोटली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अलग अलग फ़र्क है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक एक लाइन को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप जैसे दुभाषी की तरह काम करता है, इंटरप्रेटर बिल्कुल उसी तरीके से ही आपका काम करता है। तीसरी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, असेंबलर।
कंप्यूटर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, जो कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में होती है। जो मशीन लेवल लैंग्वेज जीरो और वन के फॉर्मेशन से बनती है, बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर के नज़दीक एक और भाषा होती है जिसको हम असेंबली भाषा के नाम से जानते हैं। आपने जैसा सुना होगा, कभी कभी कई मशीनों को आप उतनी बेहतर तरीके से नहीं ऑपरेट कर पाएंगे जितनी अच्छी तरीके से उसका इंजीनियर कर सकता है। इसका मतलब उसको उस मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी है। तो हर एक मशीन की अपनी एक असेंबली होती है और उसकी भाषाएं होती हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी ऐसी चीज़ होती है कि असेंबली भाषा होती है जो कि बिल्कुल नज़दीक होती है मशीन लेवल लैंग्वेज के। असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, असेंबलर एक जो कि कंप्यूटर के निर्देशों को असेंबली भाषा से मशीन लेवल लैंग्वेज, जो मशीन की भाषा है कंप्यूटर की, उसमें बदलता है। और दोनों काम इसका होता है कि ये आपकी भाषा को, असेंबली की जो भाषा है वो कंप्यूटर की मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और मशीन लेवल लैंग्वेज जो मशीनी भाषा है उसको असेंबली में कन्वर्ट करेगा। असेंबली जो भाषा होती है वो अक्सर जो कंप्यूटर के बेहतर जानकार लोग होते हैं, जो कंप्यूटर के इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको कंप्यूटर की डेप्थ में नॉलेज है और मशीन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो लोग असेंबली भाषा में ही प्रोग्रामिंग करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा, एक हमने चीज़ें बताई जैसे ऐड मल्टीप्लाई के लिए MUL लिखना, ऐड पूरे एडिशन के लिए ऐड लिखना, या कुछ ऐसे कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं असेंबली भाषा में। तो अगर आप उससे संबंधित हैं तो चीज़ें जान सकते हैं, क्योंकि असेंबली भाषा हर कंप्यूटर की अलग अलग होती है। हर कंप्यूटर जो कि हमने आपको बताया, जो चीज़ें IC बेस्ड हैं, वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर हैं, ये असेंबली भाषा हर कंप्यूटर की इंटरनली अलग अलग से होगी। क्योंकि असेंबली अगर कोई जानकार है तो जितने भी कंप्यूटर होंगे, हर कंप्यूटर के अलग अलग असेंबली उसको सीखनी पड़ेगी। तो अमूमन लोग हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए सीखते हैं कि वो किस भाषा किसी भी कंप्यूटर पर इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज स्पेशली उसी कंप्यूटर के लिए वैलिड होगी जिस कंप्यूटर की असेंबली आपने पढ़ी है। और इसलिए हम आमतौर पर ये कहते हैं कि जिसको किसी कंप्यूटर की असेंबली लैंग्वेज की जानकारी है वो उस कंप्यूटर को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लिंकर भी एक प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रोग्रामों को इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बनाता है, जिसकी एग्जीक्यूटिबल फाइल, लाइब्रेरी फाइल तथा ऑब्जेक्ट फाइल। अमूमन जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स फाइल कंपाइलर के थ्रू कंपाइल की जाती है। इस तरीके की फाइलों को बनाने के लिए हमें लिंकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आजकल चीज़ें काफ़ी सुविधाजनक हो गई हैं, पहले अलग अलग सॉफ्टवेयर को मिला करके उसको इस्तेमाल किया जाता था, तो उस समय इनकी सुविधाएँ ज़्यादा होती थी। उदाहरण के तौर पर आप मैथमेटिक्स का कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिसमें कई कार्य चीज़ें हैं, आपको इंटीग्रेशन के लिए कुछ लाइब्रेरीज चाहिए, आप इंटीग्रेशन के अलावा कुछ और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चाह रहे हैं, उनके फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरी फाइलों की भी आवश्यकता हो सकती है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिंकर इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर करके जो आपके सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है उसके थ्रू ऑब्जेक्ट फाइल का निर्माण करता है। और ऑब्जेक्ट फाइल के बाद ये ऐसी फाइलों का निर्माण करता है जो एग्जीक्यूटिबल फाइल के नाम से जानी जाती है, जिसको आप कंप्यूटर पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लोडर फाइलों को मेमोरी से लोड करने का काम करता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये सोर्स प्रोग्राम, असेंबलर, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, लिंकर, एग्जीक्यूटिबल कोड और लोडर के थ्रू आप इस चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। लोडर भी मूलतः सॉफ्टवेयर है जो कुछ प्रोग्राम से बनाए गए हैं। तीसरा एडवेयर, देखिए एडवेयर या विज्ञापन समर्थित सॉफ्टवेयर है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप इंटरनेट पर कुछ फाइलें खोलते हैं
और खोलते ही आपने देखा कि उसके साथ साथ बहुत छोटे छोटे ऐड आ जाते हैं जो आप ना चाहते हुए भी आपको चीज़ें एग्जीक्यूट दिखाई पड़ती हैं। जो भी सॉफ्टवेयर पैकेज जो स्वचालित रूप से खुलता है, एक कंप्यूटर को प्रदर्शित करता है, जैसे कि रेलवे की वेबसाइट खोलने पर कुछ एडवेयर वेबसाइट अपने आप ओपन हो जाती हैं, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम एडवेयर के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, उपयोगिता सॉफ्टवेयर। उपयोगिता सॉफ्टवेयर इस तरीके के कंप्यूटर सिस्टम को बनाए रखने और रक्षा में मदद करता है। रक्षा का मतलब सिक्योरिटी से है, जो आमतौर पर सिस्टम संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है, लेकिन सीधे हार्डवेयर के साथ इंटरफेस नहीं करता, जैसे बैकअप, कैरेक्टर मैप, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी से इश्यूज़ हैं। सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम सेंटर, सिस्टम रीस्टोर, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप कंप्यूटर में कई चीज़ें कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में भी आपने आजकल सुना होगा बहुत सारे एंटी सॉफ्टवेयर वायरस सॉफ्टवेयर भी आते हैं, डिफरेंट फायरवॉल भी आते हैं। फायरवॉल का यहाँ मतलब किसी आग से नहीं, फायरवॉल का मतलब यहाँ पे है कुछ ऐसी चीज़ों को रोकना, जैसे आपने अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं जिससे इस पे आपकी सिर्फ वांछित, जो आप चाहते हैं उन्हीं तरीके की वेबसाइट ओपन हो सकती है, उन्हीं तरीके के सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसे बहुत सारे फायरवॉल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स को रोका जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट यूजर्स में आ रही है, प्रोनोग्राफिक पिक्चरें, जो पिक्चरें आप नहीं देखना चाहते, या बच्चों को दूषित करने वाले ऐसे सामग्री जो ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर ना आ पाए, आप इंटरनेट पर ना आए, उसके लिए डिफरेंट फायरवॉल्स उस सिस्टम में डाल दिए जाते हैं। तो जैसे ही वो सॉफ्टवेयर या वैसा एडवर्टीजमेंट कंप्यूटर की में आता है, वो फायरवॉल उसको रोक देता है, तो आपके पास वो जो जानकारी है वो आप तक नहीं पहुंच पाती। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे वायरसेस जो आपके कंप्यूटर में आने वाले हैं, आ सकते हैं, उनको भी फायरवॉल्स के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो डीफ्रेगमेंटेटेड सॉफ्टवेयर भी आते हैं ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम, फाइल मैनेजमेंट के डायग्नोस्टिक यूटिलिटी, फाइल कंपरीजन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, डिफ्रेगमेंटर, डिस्क स्कैनर भी बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके थ्रू आप चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित करता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता। आपको पता है कंप्यूटर वायरस इस समय एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा और आज ही इंटरनेट इस्तेमाल किया, दूसरे दिन आपको लगता है कि आपके सारे कॉन्टेक्ट ख़त्म हो चुके हैं। आप सोचिए कि एक छोटे से वायरस ने आपके सारे मोबाइल फ़ोन को, आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बिल्कुल वायरस से इन्फेक्टेड बना करके प्रॉब्लम, समस्याएँ आपके लिए बना दी। तो ये कंप्यूटर, ये कुछ वायरसेस जो आते हैं, ये प्रोग्राम के फॉर्म में आते हैं, उनके पास ऐसी क्षमता होती है कि अगर वो जैसे एक हैं तो वो मल्टीपल के फॉर्म में हज़ार बने, और फिर हज़ार एक से एक हज़ार बनता जाता है, और बहुत कम समय में आपके पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। पहले जो वायरसेस आते थे वो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर इन्फेक्टेड होते थे, आज के जो सॉफ्ट वायरसेज आ रहे हैं वो आपके हार्डवेयर को भी कंट्रोल करते हैं, और पता लगा आपके काम करते ही आपके हार्डवेयर ने भी काम करना बंद कर दिया। तो इन वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए एंटीवायरस की भी ज़रूरत होती है, या डिफरेंट काइंड के फायरवॉल्स की। अमूमन कंप्यूटर वायरस को हम तीन भागों में बांटते हैं, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, बूट सेक्टर वायरसेस। वॉर्म्स क्या होते हैं? ये मालवेयर विनाशकारी प्रोग्रामों, संचिकाओं के डिलीट करने या हार्ड डिस्क की पुनः फॉर्मेटिंग करके कंप्यूटर को
क्षति पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम खड़ी हो गई तो आप उसको दोबारा फॉर्मेट करना पड़ेगा, या कुछ ऐसी भी चीज़ें हो जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। ट्रोजन हॉर्सेस वायरस खुद को दोहराता नहीं लेकिन बहुत ही विनाशकारी है। तो ऐसे वायरसेस जो आपके कंप्यूटर्स को बुरी तरीके से इन्फेक्ट कर सकते हैं, बूट सेक्टर वायरसेस। बूट सेक्टर एक वायरस है जो मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR को संक्रमित करता है। बूट सेक्टर का मेरा मतलब, यहाँ से जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, या आप ये समझिए कि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं और उसके पहले ही किसी ने आपको दूषित कर दिया, तो आप अपने उस कार्य की तरह शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। तो कंप्यूटर में जो बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना जिससे आपका कंप्यूटर कार्य करने लायक बने, उस सेक्टर को ही ये ख़राब कर देता है और इसके द्वारा बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो वो दिक्कतें आपको दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। ये आपकी कुछ सूचनाएं जो आपको बूट सेक्टर वायरसेस से संबंधित थी। हमने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपके पूरे कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और भी बहुत सारे तरीकों की चीज़ों को कंट्रोलिंग के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने आपको जानकारी दी, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू लगभग कोई भी स्पेशलाइज्ड वर्क जो स्पेशली उसी लिए बनाया गया है उसके थ्रू आप कार्यों को निर्धारित कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। और जो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत जानकारी की आवश्यकता नहीं है, आप बिना थोड़ी बहुत जानकारी के थ्रू ही आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने बताया, आपको अगर वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं या DTP, आप एक अच्छे कंपोज़र हैं, तो आपको कंप्यूटर की बहुत जानकारी नहीं है, आपको ये जानकारी देनी है कि वो सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल होता है, सिर्फ उसी के आधार पर आप उसको डेवलप कर सकते हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, उसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में आपको जानकारी दी, कंप्यूटर वायरसेस के बारे में आपको बताया। इसके साथ ही चाहूँगा कि आज के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हमने आपको जानकारी दी। बहुत खूब पांडे साहब, बहुत खूब, एक्सेलेंट डिलीवरी एंड हाईली मोटिवेशनल। सब्जेक्ट अपने आप में कम जटिल नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जितना हम जार्गन यूज़ करते हैं, उस जार्गन को ही हम समझने में जब बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं होते तो ऑब्वियसली हमारा जो कंप्यूटर को यूज़ करने का स्तर है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता। इस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को जितनी सहज, सरल और प्रभावी शैली में आपने प्रस्तुत किया है, फंडामेंटल्स को स्पष्ट किया है, मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ और प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी कोशिश यही कि सरलतम तरीके से लोगों को यह जानकारी पहुँचाई जाए, और आपने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हम जितनी अच्छी तरीके से, जितनी सुंदर भाषा में लोगों को ये बता पाएँ, कन्वे कर पाएँ, हम इस तरीके से कहें तो हमारा प्रयास सफल हो जाता है। तो आपका ये जो प्रयास, सफल प्रयास आपने हमारे विद्यार्थियों के साथ साझा किया है, मेरा पूरा विश्वास है कि इससे हमारे विद्यार्थी पहले से कहीं अधिक कंप्यूटर का अच्छा इस्तेमाल करने में निपुण हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे। चलते चलते प्रिय मित्रों, डॉक्टर पांडे और मैं ये विश्वास जताते हैं कि CEC एडुसेट के माध्यम से हम ये जो प्रयास कर रहे हैं आपको शिक्षित करने का, आप इस शिक्षा को अच्छी तरह से और सक्षम तरीके से हासिल करने में कामयाब होंगे। डॉक्टर पांडे और मेरी ओर से हमारा आशीष, एंड वी ऑल विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।